नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो 14 अप्रैल बुधवार को ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। सूर्य का ये गोचर 13 अप्रैल को मध्य रात्रि के बाद 2:33 पर मेष राशि में हो रहा है, इसलिए संक्रांति के दान पुण्य 14 अप्रैल को किए जाएंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य एक राशि में एक महीने तक रहते हैं और जिस दिन सूर्य राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को संक्रांति के नाम से जाना जाता है, इसलिए 14 अप्रैल को मेष संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा और कुंभ में पवित्र डुबकी भी श्रद्धालु लगाएंगे। सूर्य का मेष राशि में गोचर होने पर सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों की आमदनी बढ़ेगी तो किसी के व्यापार में तेजी आएगी, तो वहीं कुछ राशियों के जीवन में उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं सूर्य के मेघ राशि में आने पर किन किन राशियों को मिलेगा राजसुख। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, जिसमें अचानक लाभ व शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो सूर्य का गोचर आपकी राशि के लिए शुभ समाचार लेकर आने वाला है। इस दौरान आपको कई उपलब्धियां भी मिलेंगी, आपकी वाणी व व्यवहार में भी सुधार देखने को मिलेगा। शादीशुदा जीवन में आपको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, साथ ही आसपास के लोगों से भी आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं। आप अच्छा अर्चित करेंगे और सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा, जिससे लोगों की नज़र में आपकी सकारात्मक छवि बनेगी। कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलेंगी और प्रतिद्वंद्वियों से आसानी से जीत हासिल कर पाएंगे। गोचर काल में माता से अचानक लाभ व शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों, अगली आएगी मिथुन राशि, जिसमें निवेश के लिए ये समय बहुत अच्छा है। सूर्य का गोचर आपकी राशि के लिए लाभप्रद रहने वाला है। इस दौरान आपके अधिकारों में वृद्धि होगी और विदेश में बसने की इच्छा पूरी होती नजर आएगी। आर्थिक रूप से ये गोचर आपको कई क्षेत्रों में लाभ दिलाने वाला है। आपकी स्थिति और करियर में भी वृद्धि होगी, साथ ही कानूनी मामलों से आपको छुटकारा मिलेगा। निवेश करने वालों के लिए ये समय अनुकूल है। व्यवसाय से जुड़े जातकों के व्यवहार में प्रगति होने वाली है और लाभ की संभावनाएं भी है। साथ ही ऑफिस में काम करने वाले लोगों के वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनने वाले हैं, जिससे आपकी आमदनी बढ़ने के चांसेस भी हैं। अगली आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि भविष्य में बड़े लाभ की संभावना एक्सपेक्ट कर सकती है। सूर्य का गोचर आपकी राशि के लिए विकास की कई संभावनाओं को लेकर आ रहा है। इस दौरान कई प्रभावशाली और प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जिससे विचार आदान प्रदान होगा और भविष्य में बड़े लाभ की संभावनाएं भी हैं। भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा और उनकी मदद से बिजनेस और घर की जरूरतें भी पूरी होंगी। गोचर काल में दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा और नए मित्र भी बन सकते हैं। इसके साथ पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। अगर आप पारिवारिक बिजनेस से जुड़े हैं तो गोचर काल में अच्छा मुनाफा होगा। दोस्तों, अगली आती है तुला राशि। सूर्य का गोचर आपकी राशि के लिए लाभ योग बना रहा है। इस दौरान संतान के विवाह की चिंता समाप्त हो सकती है और जीवन साथी के साथ सुकून भरा समय व्यतीत करेंगे। खुद का बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो समय के साथ साथ भाग्य भी पूरा साथ देगा। साथ ही नई नौकरी की तलाश करने वालों को अनुकूल अवसर मिलेंगे और आय में वृद्धि के योग भी हैं। गोचर काल में सरकारी योजनाओं को फायदा भी मिल सकता है और घोष में वृद्धि होने के मन भी प्रसन्न आपका होने वाला है। जमीन जायदाद में बढ़ोतरी होगी और कई दिनों बाद आपकी किस्मत का दरवाज़ा फिर से खुल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।